हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल फनटार रिएक्शन। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। और मेरा नाम अमर है। मेरा नाम दिशान है। मेरा नाम वक्कार। और मेरा नाम अली रजा। दोस्तों, आज की वीडियो है, इससे सुंदर स्वर्ग नहीं देखा होगा आपने, बेंगलोर टू मैंगलोर। वाह, बेस्ट जर्नी है। देखते क्या होता है। ये बेंगलोर तो सुना, ये मैंगलोर क्या है? ये नया नाम है हमारे लिए, तो देखते हैं ये कौन सी सुंदर जर्नी है। भाई प्ले करो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे साथ जर्नीज को एंजॉय कर रहे होंगे। थोड़ा गला बैठा है, माफ़ी चाहूँगा। पर आज हम लोग यात्रा करने वाले हैं गोमतेश्वर एक्सप्रेस में, जिसमें हम लोग यशवंतपुर से मैंगलोर तक सफ़र करेंगे और आप लोग मेरे साथ खूबसूरत सा घाट सेक्शन एंजॉय करने वाले हैं। वैसे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन को भी कवर करेंगे, जैसे श्रावण बेलगोला, हसन जंक्शन और सुब्रमण्यम रोड। उसके बाद इस रूट को तय करते हुए, इस सफ़र को तय करते हुए हम लोग पहुँचेंगे मैंगलोर शाम 5 बजे। ट्रेन का यशवंतपुर से 7 बजे का डिपार्चर, पीछे हमारी ट्रेन खड़ी हुई है। यहाँ से ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 से चल रही है और यशवंतपुर से बहुत सारे रूट गए हुए हैं, दिल्ली, हावड़ा, तरह तरह के। आप समझ जाइए कि यहाँ से आपको हर जगह की लगभग गाड़ी मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत है नहीं। वैसे आज हम इस ट्रेन के इसी चेयर कार में ट्रैवल कर रहे हैं। विस्टाडोम के इस ट्रेन में 2 कोच लगते हैं, मतलब विस्टाडोम के मामले में भारत की पहली ट्रेन है जिसमें 2 कोच एक साथ लगाए जाते हैं। पर विस्टाडोम में इसलिए ट्रैवल नहीं कर रहे हैं क्योंकि विस्टाडोम में बहुत रश होता है। पब्लिक जो होती है वो टूरिज्म पर्पज़ से ही आती है और सभी लोग को बाहर देखना होता है, डोर्स वगैरह ऑक्यूपाई हो जाते हैं। इसलिए मैंने इसके एसी चेयर कार में टिकट कराया, अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। क्योंकि विस्टाडोम में तो कई जर्नीज आप देख चुके हो, जिन लोगों ने नहीं देखी वो केवड़िया जन शताब्दी की जर्नी और पुणे के विस्टाडोम कोच की जर्नी देख सकते हो। बढ़िया घाट सेक्शन हमने कवर किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले अपनी ट्रेन पीछे खड़ी है, चलिए चलते हैं अंदर इसके एसी चेयर कार में। बस अभी 5 मिनट में हमारी जर्नी यहाँ शुरू होने वाली है। अब भैया बादल देखो, पहाड़ नजर ही नहीं आ रहा। पता नहीं है, क्या बात है। पहाड़ की चोटी भाई नजर ही नहीं आ रही बादल में। वाह, ये आ गई शेर खान की गुफा। पूरा नजारा देखिए भाई, ट्रेन का कैसा है। सीट्स तो खैर एलएचबी इसी चेयर कार की हैं, पर ये लग रहा है जैसे बैंगलोर चेन्नई शताब्दी की यूज़ जो कोचेज़ होते हैं उन्हीं को इसको अलॉट कर दिया गया है। बाकी कंफर्टेबल तो खैर है, पर कोच थोड़ा सा पुराना लग रहा है। दोस्तों, बिल्कुल 7 बजे हमारा डिपार्चर होता है यशवंतपुर से और यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलापुर हसन एक्सप्रेस भी आ चुकी है। ये भी हसन तक जाएगी हमारी ट्रेन के पीछे पीछे। मौसम बहुत ही अच्छा है। वाह भाई वाह, क्या बात है। अरे भाई, वो जो रूट है दोस्तों वो हावड़ा दिल्ली लाइन से निकल जाता है। लाइन है वो अलग हो जाती है और सिंपल हुबली लाइन, और हम लोग बढ़ रहे हैं कुनिकल लाइन की ओर। भाई खाना आ गया भाई, ट्रेन में क्या बात है यार,
तो दोस्तों ये है प्लेट, डोसा आ गया बकर भाई, देख लो आमिर भाई मजदूर बड़ा जो खाने के मजदूर हैं। हाँ हाँ सभी का टेस्ट आपको मैं बताऊंगा एक साथ भाई लोग। एक बढ़िया सी कॉफी मिल चुकी है, और साउथ इंडिया में आ रहे हो तो आपको कॉफी ज्यादा मिलेगी चाय से ज्यादा, और अर्ली मॉर्निंग बढ़िया कॉफी मिली है, और साथ में जो मद्दूर वड़ा है ना काफ़ी टेस्टी लग रहा है। और यहाँ पर श्रेयांश ने, संदीप भाई ने, सब लोगों ने ट्राई भी किया, और पहले जैसे ये अच्छा लगा ना, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमेशा मद्दूर वड़ा के साथ अच्छा रहा है, जब भी तो अच्छा ही रहे, और साथ में कॉफ़ी के साथ अच्छा लगता है, चाय के साथ नहीं, जितना मतलब कॉफ़ी मिले ज़्यादा अच्छा है। और प्लस वड़े हैं यहाँ पे, इसको मैंने टेस्ट किया, स्वाद काफ़ी अच्छा है, जो उसका कॉस्ट है 40 रुपीज़ के हिसाब से अच्छा है। अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो बिल्कुल रिकमेंड करें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बाहर नज़ारे बहुत ही अच्छे हैं, इन्जॉय कीजिए आप लोग व्यूज़ का। वो जो पर्वत आपको दिख रहा है वो है विंध्यगिरी पर्वत। अच्छा, और यहाँ हम लोग पहुँच गए श्रावण तेलगुड़ा, श्रावण तेलगुड़ा, यहाँ अपना डिपार्चर हो चुका। और ये जो आप देख रहे हैं ना रिक्स, ये है बेंगलोर हुबली जन शताब्दी एक्सप्रेस के रिक्स, जो कि अभी यहाँ खड़े हैं फिलहाल। बहुत ही प्यारी ट्रेन थी, अब तो एल एच बी हो चुकी है, लेकिन आई सी एफ के रिक्स भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। सर तो संदीप भाई ने विंध्यगिरी पर्वत को जूम किया, और यही है मूर्ति जिसकी मैं आप लोगों से बात कर रहा था। अच्छा, ओ भाई, क्या बात है, श्रावण तेलगुड़ा एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पे आप लोगों ने जो जैन भगवान की मूर्ति देखी गोमटेश्वर बाहुबली, यहाँ पे महामस्त अभिषेक होता है हर 12 साल में, पिछला 2018 में हुआ था, अगला 2030 में होगा। बैंगलोर से 132 किलोमीटर की दूरी लगभग 2 घंटे में तय करते हम लोग यहाँ पहुँचे, मात्र 1 मिनट का हॉल्ट था, और संदीप भाई की हेल्प से हम लोगों ने उस मूर्ति को जूम भी किया। वहाँ आपको पहुँचना है तो आपको लगभग 600 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा विंध्यगिरी पर्वत पे, यहाँ आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। देखिए मौसम कितना खूबसूरत है, और नारियल के खेत ही खेत है, तो मजा आ गया। कभी ना कभी श्रावण तेलगुड़ा आएंगे और मूर्ति तक भी पहुँचेंगे, और आपको वो व्लॉग में मैं दिखाऊंगा। फिलहाल हमारी ट्रेन को बस 1 मिनट का हॉल्ट था, और हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं दोस्तों। ये नारियल, ये बादल क्या है, और क्या अच्छे बाग बकार भाई, क्या बात है, नजारे कुछ और है। ट्रेन भी उसी जगह से जा रही है, क्या हर तरफ खूबसूरती नजर आ रही है। इससे बढ़ के एक नजारा है यार इंडिया के पास, तो यहाँ हसन पे लगभग हमारी ट्रेन पूरी खाली हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग, ये जो 2S का जो कोच है काफी खाली सा हो गया है। यहाँ पे 174 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए हम लोग हसन जंक्शन पहुंच चुके हैं, मार्सिकेरस से यहाँ पे आके रूट ज्वाइन होता है, मैसूर के लिए एक लाइन गई हुई है, और हम लोग बनने वाले हैं सकलेशपुर वाली लाइन की, और 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, काफी इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पे, मतलब बैंगलोर से हसन के लिए कई लोग ट्रैवल करते हैं। तो अगर आप लोग इस रूट पे आ रहे हो तो आपको यहाँ खाने पीने की चीज़ें आसानी से स्टेशन में मिल जाएंगी, स्नैक्स आइटम मिल जाएगा, और ट्रेन ऑलमोस्ट यहाँ खाली हो जाती है। कभी अगर आपको इस ट्रेन में टिकट ना मिले और आपको ट्रैवल करना अर्जेंट हो तो इसमें हसन से आप बैंगलोर तक टिकट बुक करिए, और यहाँ तक आप इस ट्रेन के जनरल क्लास में एडजस्ट करते हुए अपनी जर्नी को पूरा कीजिए। बिल्कुल 10:10 पे हम लोग हसन जंक्शन से निकल चुके हैं। खूबसूरत रेलगाड़ी है ना उनकी, है ये मालगाड़ी है एक्सप्रेस। अरे भाई बादल है क्या, तो सामने जो आप लेफ्ट साइड आते हुए ट्रैक देख रहे हैं यही जा रहे हैं मैसूर की ओर, और हम लोग बढ़ रहे हैं सकलेशपुर लाइन की ओर।
तो भाई ये तले हुए दाल बड़े जिसमें कुछ मेथी आपको दिख रही है, इनका स्वाद काफ़ी अच्छा है, मैंने हसन से लिए थे, और साथ में चाय काफ़ी अच्छी है, गाढ़ी है। बिल्कुल कटाव से हमारी ट्रेन गुजर रही है पत्थरों के, और यहाँ पे भेलपुरी भी सर्विंग शुरू हो चुकी है ट्रेन में। क्या बात है, तो दोस्तों यहाँ अपनी जो ट्रेन है सकलेशपुर आज की, और बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन लग रहा है, इसलिए पूरा गीला है बारिश से, और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे घाट सेक्शन कितना खूबसूरत होने वाला है। और यहाँ पे वेंडर्स जो हैं चिप्स पुलाव सभी चीजें बेच रहे हैं, काफी खूबसूरत है दोस्तों। आगे घाट सेक्शन आप लोगों का इंतजार कर रहा है, यहीं से हमारी ट्रेन में या तो बैंकर्स लगाए जाएंगे यानी पीछे से धक्का देने वाले लोकोमोटिव्स, या तो आगे से ब्रेकर्स लगाए जाएंगे। दोस्तों जिन लोगों ने गूगली मूवी देखी है उन्होंने ये सीन जरूर देखा होगा कि यहाँ पे जो हीरोइन है वो बैठी होती है, और तो लास्ट का सीन है वो यही का है, यही है सकलेशपुर का खूबसूरत रेलवे स्टेशन जहाँ पे उस सीन को दर्शाया गया है। तमिल मूवी है ना भाई, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आगे किस चीज से आपको रूबरू होना है। अभी साउथ में या इंडियन नहीं मूवी भाई, आगे अपनी ट्रेन के दो लोकोमोटिव लगा दी जा चुके हैं, मतलब टोटल तीन लोकोमोटिव ट्रेन के आगे हैं। और यहाँ पे आप देखिए ये जो गुड्स ट्रेन है उसमें कितने कबूज लगे हुए हैं पता नहीं भाई, कर्नाटक के सुब्रमण्यम घाट से होकर के गुजर रहा था। आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो उस घाट के नजारे मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं। इन वादियों में खो जाने के बाद मन तो करता है कि रेल सफर कभी खत्म ही ना हो, कभी खूबसूरत से झरने, कभी खूबसूरत वादियाँ, बादलों से घिरे हुए पहाड़ हमारी आंखों के सामने लगातार आते ही रहते हैं। एक रेल सफर में या तो आप अपने खास लोगों के साथ होते हैं या तो उन लोगों की यादें आपके साथ होती हैं, और ऐसे ही सुंदर नज़ारों के साथ ये सफर खूबसूरती से कट के जाता है। इंतजार किस बात का है, चले देखने अपना खूबसूरत सकलेशपुर। सामने भी कितने सारे वॉटरफॉल देखने को मिल रहे हैं, और बारिश आ गई, बारिश आ गई। Yeah.
खाने का मजा ही कुछ और है, उसमें बिरयानी हो, कढ़ाई हो, माशाल्लाह भाई साहब एंजॉय करते जा रहे हैं भाई। मैं होता था यहाँ पे जंप लगाता यहीं पे बैठा था भाई। इतने अच्छे मैं तो हैरान हो गया हूँ, इस बार तो अभी चौक गया हूँ। ये बहुत अच्छा नज़ारा तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सिंगल लाइन डीजल रूट है और यहाँ पे अब बारी है हवाई ट्रेन की क्रॉसिंग होने की, मैंगलोर से यशवंतपुर के बीच चलने वाली गोमतेश्वर एक्सप्रेस से। हम हैं बैंगलोर से यानी यशवंतपुर से मैंगलोर के बीच चलने वाली में, और जो इसकी दूसरा पेयर है उससे हमारी क्रॉसिंग होने वाली है। वो वाली ब्लू ट्रेन जो कल देखी थी हमने विशाखापट्टनम, मजा आ रहा है यार दोनों ट्रेनों को देखकर। टाइट बेल्ट जर्नी एंजॉय कर रहे हैं भाई साहब, और हमें भी करवा रहे हैं सामने देखो भाई मजा है। ऊपर रहा बादल उसको चढ़ा, मुझे बादल बहुत पसंद है यार, इतना खूबसूरत है यार बादल। तो दोस्तों, जो गोमतेश्वर एक्सप्रेस अभी आप लोगों ने देखी उसमें पीछे की ओर दो इंजन से लगे थे, क्योंकि उसे अब खड़ी चढ़ाई में चढ़ाते हुए ले जाएंगे। हम लोग तो उतरते हुए आ रहे थे ढलान में, अब वो खड़ी चढ़ाई में जा रही है, इसलिए पीछे से इंजन धक्का देंगे और हमारी ट्रेन अब बढ़ रही है मैंगलोर की ओर। अब से आप लोग से हमारी ट्रेन भी बढ़ रही है मैंगलोर की ओर, और अब आप लोग से मुलाकात करता हूँ मैं सुब्रमण्यम रोड रेलवे स्टेशन में, वहाँ की कुछ खास बातें आप लोग को बताता हूँ। तो दोस्तों, ट्रेन का सेकंड सीट और यहाँ पे आप इंटीरियर्स वगैरह देख सकते हैं, ये न्यू ट्रेन है, 3+2 की अरेंजमेंट यहाँ भी दी है और सीटें काफी कंफर्टेबल है ट्रेन की।
ये है हमारी गोमतेश्वर एक्सप्रेस। दोस्तों ये है मैंगलोर के स्पेशल बंस और नॉर्मली लोग यही खाते हैं मैंगलोर में, उनको काफ़ी पसंद आता है और इसे हम लोग कॉफ़ी के साथ ट्राई कर रहे हैं। मैंने एक बाइट टेस्ट कर ली, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो बिल्कुल रिकमेंडेड है, मतलब कुछ ऑयली जैसा फीलिंग नहीं आ रही और काफ़ी स्पॉन्जी है टेस्ट, आपको स्वीट एंड सॉल्टी दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा और इसके साथ कॉफ़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़रूर ज़रूर जब आए तो इंशाल्लाह जाएंगे। यहाँ हम लोग 271 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए 2:15 पर आ चुके हैं सुब्रमण्यम रोड। दोस्तों वैसे तो हमारा अराइवल 2:25 का था, थोड़ा सा फील आ रहा है करते जा रहे हैं यहाँ पर। जो आगे ब्रेकर्स लोकोमोटिव लगाए गए ना ट्रेन में, उन्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा। अब सिंगल लोकोमोटिव के साथ ट्रेन अपने सफ़र को मैंगलोर तक पूरा करेगी। लगभग 70-80 किलोमीटर है मैंगलोर यहाँ से, पर अभी हमारे पास 2.5 घंटे तक का समय रहेगा। कितने भी घंटे हो, ऐसी जर्नी हो ना, टाइम का पता ही नहीं चलता। फिलहाल हम लोग सुब्रमण्यम रोड, और मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे जो कई सारे पूजा होती है ना, आप लोगों सुना होगा कभी कोई मांगलिक दोष की पूजा या और भी कई पूजा, ये भाई का मजा है। मतलब मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को, मेरे को भी उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, पर कई शादी विवाह से पहले जो कई दिक्कतें आती हैं उन सब चीज़ों का जो निवारण होता है और भी जो जिंदगी में समस्याएं होती हैं उन सभी की जो पूजा होती है वो यहाँ पे होती है। उसके लिए कुके घाटी सुब्रमण्यम नाम का मंदिर है, अब उसे कुके घाटी कहते हैं, इसीलिए जगह का नाम सुब्रमण्यम रोड पड़ा। और धर्मस्थला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ भाई सचिन तेंदुलकर जी भी आए हैं अपनी पूजा वगैरह कराने दर्शन के लिए, अमिताभ बच्चन जी भी आए हैं, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं और मतलब यहाँ की मान्यता बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए सुब्रमण्यम रोड स्टेशन को बनाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन का। और यहाँ पे जो ब्रेकर्स वो तो डिटैच हो ही गए हैं, यहाँ हम लोग लगभग 1/2 घंटे के लिए रुके हैं, अब इसके बाद निकल जाएंगे हम लोग मैंगलोर की ओर। और बाकी जो स्टेशन का जो माहौल है बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हो मतलब पीछे ही हरी भरी घास वगैरह झाड़ी वगैरह स्टेशन के काफ़ी करीब है। ट्रेन हमारे यहाँ अच्छे खासे समय के लिए रुकी है, देखिए आप लोग क्या व्यू है, क्या व्यू है, कमाल है वाकई में भाई। भाई दूर हो जाओ कहीं शेर ना आ जाए। ट्रेन रुकती है तो काफ़ी अच्छा लगता है, और सच में बता रहा हूँ अगर आप लोग इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। ज़रूर इस ट्रेन को लीजिएगा अपनी जर्नी के दौरान, या कुछ नहीं तो टाइम पास के लिए लीजिएगा, अगर आपको 2-3 दिन का समय एक्स्ट्रा है बैंगलोर में या मैंगलोर में तो इस सेक्शन को ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने कोच में वापस, और अच्छे खासे हॉल्ट के बाद चल चुके हैं सुब्रमण्यम रोड से भी, और देखिए कोच काफ़ी खाली अपना सीसी का मतलब इसी चेयर कार का, और टूरिस्ट भी काफ़ी खाली था। तो अगर आप इस रूट में ट्रैवल करो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर इंपॉर्टेंट सामान वगैरह तो एसी में एसी को प्रेफर कीजिए, वरना टूरिस्ट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बाकी मौसम भी काफ़ी अच्छा है वहाँ का। वाकई यार बहुत अच्छा लगा ये जर्नी, जो स्पेशल जर्नी थी ना, इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि इससे अच्छे मतलब सुंदर जगह आपको नहीं दिखने को मिलेगी, और ये बिल्कुल है, मतलब आज हमने अपनी आंखों से देख लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत जगह थी। अमर भाई मजा आ गया, बार आ रही थी मजा आ गया, झरने वो क्या क्या नजारे बता नहीं, जितनी तारीफ मतलब भाई इतना मजा, हम तो पता ही नहीं चला वीडियो कब कहाँ पहुंचे। भाई मुझे तो मजा आ गया, हर रोज मैं ये जर्नी देखता रहता हूँ, कभी किस जगह की कभी किस जगह की, मैं बोलता हूँ ये अच्छी है, आज ये देखिए तो ये अच्छी लगी है। भाई मैं तो सब जर्नियों को 100% दे रहा हूँ भाई, उससे भी ज्यादा। और इस ट्रेन की जो जर्नी में खाना पीना हो जाए ना टाइट, जैसे मुर्गी हो, बड़ा पाव, हाँ कढ़ाई हो, बिरयानी हो, फिर मजा आएगा इस जर्नी का, घूमने का, बारिश का मौसम आ, क्या बात है, मुझे तो मजा आ रहा था भाई। वो जो हमने देखा वो एक नज़ारा, एक था पुल के ऊपर दरिया बह रहा था, खूबसूरत है भाई। और मैं यही कहना चाहूंगा, भाई साहब ये कह रहे थे भाई टाइम पास के लिए यहाँ पर आ जाओ 2 दिन के लिए, भाई जिसके पास 2 दिन है वो यहाँ पर आ जाए, मैं कहता हूँ भाई ये तो पिकनिक का इलाके है भाई, 2 दिन के लिए क्या टाइम पास दो, हमारे यहाँ भी हो सकता है, ये घूमने का नजारा ही कुछ और है भाई, इंडिया का खूबसूरत है। 2 दिन क्या, हम तो 1 महीने के लिए आ जाए ठहर के घूमे फिरे, मतलब इतनी खूबसूरत जर्नी है ना, ट्रेनों का भी अलग ही खूबसूरत काम, मतलब ट्रेन में बैठोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई को ट्रेन चल भी रही है, इतनी स्मूथली मतलब जर्नी है, और क्या नज़ारे थे माशाल्लाह से, मतलब पूरी थ्रिल से भरी हुई थी जर्नी, चारों तरफ वो आपको मतलब कुदरत के नज़ारे नजर आ रहे थे, नीचे भी पानी बह रहा है भाई साहब, पहाड़ों के अंदर, पहाड़ों के ऊपर बरसात हो रही है,
क्या क्या देखे बंदा, इंडिया खूबसूरत से भरा हुआ है। और ऊपर से साउथ इंडिया के इतने खाने लजीज, मतलब खाने भाई बड़ा पता नहीं, वो एक चीज लेकर आए थे उसमें मतलब मीठा भी बोल रहे थे और नमकीन भी, दोनों कॉम्बो कॉफी कॉफी से खा रहे थे, क्या बात है नमकीन। यार ऐसी जगहों पर मजा ही है, अलग जर्नी का। दोस्तों ये थी वीडियो, बड़ा अच्छा लगा हमें ये देखकर, उम्मीद करते हैं आपने भी ये जर्नी एंजॉय की होगी। तो हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आपका प्यार ही हमारे लिए काफ़ी है। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।